कितनी रिश्वत थी उसमें? 64 करोड़ रुपया, 60 और 4 64। और कोयले में कितनी बेईमानी हुई? 1,85,000 करोड़। आज कोयले की खानें बंद पड़ी हैं और विदेशों से महंगा कोयला हम खरीद के अपने को बिजली के कारखाने चला रहे हैं। पिछले साल 1,30,000 करोड़ का कोयला बाहर से लाए, 200 साल का भंडार है इस देश में और विदेशों से हम कोयला खरीद रहे हैं। कॉमनवेल्थ के खेल हुए दिल्ली में 3 साल पहले, सबको इतना मालूम है कि कांग्रेसियों ने उसमें बेईमानी की, लोग जेल गए इनके, देश को लूटा, खेल के नाम पर भी लूट लिया। ये बार बार आप पढ़ते होंगे, ये 2G 2G का घोटाला हो गया। ये क्या घोटाला है लोगों को समझ में नहीं आता, किस चीज में पैसे खाए? जैसे प्रकृति ने आपको जमीन के नीचे कोयला दिया है, समुद्र के नीचे तेल दिया है, निजी कंपनियां निकाल रही हैं उसको, देश भर में समुद्र के नीचे गैस है, ये प्रकृति भगवान की देन है, उसी तरह ये हवा जो है ये भगवान की देन है। हवा की जो लहरें होती हैं, इन लहरों में एक लहर ऐसी है ऊपर, ये जो शब्द आप पढ़ते हो ना स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कोई देखने वाली चीज नहीं, हवा की एक लहर है। ये स्पेक्ट्रम भी भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, ये किसी आदमी ने नहीं बनाया। टेलीफोन कंपनियों को इसका आवंटन करना था कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इनके मंत्री जेल चले गए, वो गया ना तमिलनाडु का राजा, अधिकारी जेल चले गए, उद्योगपति जेल चले गए, इस आवंटन में भी बेईमानी करती, जमीन के नीचे बेईमानी, हवा में बेईमानी, समुद्र में बेईमानी। और कितनी? वही लेखा जोखा अधिकारी कहता है सरकार का 1,76,000 करोड़। तो इस सरकार ने कौन से रिकॉर्ड कायम किए? 1,85,000 करोड़, 1,76,000 करोड़, 70,000 करोड़ खेल में। तो अशोक गहलोत ने भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि सबसे ज्यादा मंत्री मेरे जेल में गए। कोई सरकार आजादी के बाद ऐसी नहीं आई जिसके इतने मंत्री जेल में गए होंगे। कीमतें आसमान छू रही हैं, अर्थव्यवस्था का पूरा संचालन सत्यानाश हुआ है, रोजगार के साधन कम हो रहे हैं। ये इस देश की परिस्थिति है। आप देश की सुरक्षा की हालत देखिए, पाकिस्तान की सीमा से जब चाहे आते हैं, हमारे जवानों का सर काट के ले जाते हैं। जब चाहे आतंकवादी जेल के किसी भी हिस्से में बम बारूद चला सकता है और देश उसके सामने कमजोर महसूस करता है। चीन जब चाहे उसके सैनिक हमारी सीमा में घुसाते हैं और हमारी सीमा में घुसकर 40-40 किलोमीटर तक अपने टेंट गाड़ लेते हैं और हम बोल नहीं पाते हैं।